सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज जो है हम लोग अपनी टेल्को लाइन लेके निकले हैं बहुत दिनों बाद, और आज जो है हम लोग इसमें टायर डलवाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग सेकंड हैंड टायर डलवा रहे हैं क्योंकि अभी जब भी हम लोग ऑफ रोडिंग में गए थे लास्ट टाइम, तो इसके टायर में जो है एयर आ गई थी आगे वाले टायर में, और पीछे वाला टायर अभी सही है तो उसको अभी डलवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी थोड़े टाइम में जो है इसमें बड़ी रिम और बड़े टायर डलने वाले हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि नए टायर डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ और उसके पास जो है पड़ा हुआ है सेकंड हैंड टायर, तो देखता हूँ वो कितने में मेरे को देता है। अगर सस्ते में दे देता है तो उससे हम लोग जो है टायर डलवा लेंगे। तो अभी मैं आपको जाकर टायर एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद मैं टायर कौन सा अपन चूज़ करते हैं, कौन से डालते हैं वो भी देखते हैं अपन। तो भाई ये देखो, अभी जो है टायर में हवा भर रही है, इसमें हवा कंप्लीट हो गई। अभी अपन क्या करेंगे, ये टायर देख रहे हो, ये थोड़ा ज़्यादा घिसा हुआ है, ये थोड़ा कम घिसा हुआ है, तो अपने को ये टायर जो है आगे डालना है, आगे वाला निकाल देना है, आगे राइट साइड वाला, और ये जो पीछे वाला है ये जगह स्पेयर में, और पीछे जो है ये दो नए आ जाएंगे, ये रहा और एक वो ऊपर पड़ा है। तो ये जो टायर है दो नए वो पीछे आ जाएंगे, और ये जो वाला बीएफ गोदरेज वाला वो आगे, मतलब चारों जगह पे सेम टायर हो जाएंगे, दो सेम आगे और दो सेम पीछे, तो भाई अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। और नए टायर पीछे चले जाएंगे तो अभी ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाएंगे तो अपने को ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, ऑल टेरेन टायर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई शुरू करते हैं। ये जो टायर है अपेलो का, वो इसमें एयर आ गया, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो इसमें एयर आ गया, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे फूल गया है पूरा टायर, तो इसको बदल देंगे, इसको फेंक देंगे अभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे बीएफ गोदरेज का टायर आपको दिखाता हूँ, ये आगे देखो बीएफ गोदरेज का टायर है, तो सेम हो जाएगा पीछे का और ये आगे का, इसलिए और पीछे दो MRF के सेम हो जाएंगे, तो इसी तरीके से जो है अपने को रखना है अभी। तो दोस्तों अभी जो है हम लोगों ने ये दो टायर फिक्स किए हैं, ये है MRF का 80 टायर है, 80 टायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 235/70R16 105S, ये रेडियल टायर है, ट्यूबलेस है, तो भाई बहुत अच्छी कंडीशन में मिला अपने को, दोनों टायर भाई अपने को 3000 में दे रहा है, तो भाई सही डील है अपने साथ। और ये टायर अपना फट चुका था तो ये टायर अभी नया डाल गया, ये भाई अभी टायर चेंज कर रहा है अभी, तो देखते हैं। वैसे टायर तो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने पहली बार में उठा लिए, क्योंकि अपने टायर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, आप देख सकते हो यार, इसलिए पीछे डलवा रहा हूँ, फिर आगे भी डलवा दूँगा ऐसे टायर। तो दोस्तों अभी जो है टेल्को लाइन के दोनों टायर लग गए और गाड़ी पहुँच गई है घर पे, और घर पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि मैं पुराना टायर यहीं पे भूल गया हूँ, तो मैं पुराना टायर लेने के लिए अभी भाई के पास आया था। ये देखो पीछे पुराना टायर पड़ा हुआ है, और क्या ही बताऊँ यार, टायर बहुत अच्छा था अपने MRF का, वंडरर टायर है, तो भाई यही कुछ सीन था आज का। मैं आपको दिखाता हूँ घर पे जाके कि दोनों टायर कैसे लग रहे हैं अभी गाड़ी में, तो बेस्ट है यार नए टायर लेने की बजाय, अगर आप लॉन्ग टर्म आपके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर नया टायर ले सकते हो, लेकिन मेरे को टेम्पररी यूज़ के लिए चाहिए, रफ यूज़ के लिए चाहिए, इसलिए मेरे को जो है मैंने टायर जो है परचेस कर लिए। तो भाई बहुत ही अच्छी डील मिल गई मेरे को, 3000 में जो है मेरे को दोनों टायर मिल गए, और बहुत अच्छा भी इसका रेंज बचा हुआ है, तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने दोनों टायर डलवा दिए। तो भाई ये देखो टायर क्या ही मस्त लग रहे हैं यार, एकदम क्वालिटी भी बढ़िया है टायर की, और रेडियल टायर है, ग्रिप भी अच्छी है इसकी, ऑल टेरेन टायर है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चलेंगे यार ये टायर तो ज़्यादा चलेंगे। अभी टायर मेरे को अच्छे मिल गए, दूसरी बाजू भी आपको दिखाता हूँ मैं, सेम टायर है देखो MRF का, तो भाई दोनों टायर अपने को अच्छे में मिल गए, आगे अपने लगे हुए वही पुराने वाले लीजेंड BF गोदरेज। ये टायर की तो भाई कोई मतलब वो है ही नहीं, ये तो भाई अपने ऑल टाइम फेवरेट टायर है, पीछे भी अभी डाल ही देंगे वैसे टायर, आगे भी चेंज कराना है, सभी साथ में कराएंगे, गाड़ी पे बहुत सारा काम कराना है, धीरे धीरे करके कराएंगे। अभी तो इस गाड़ी का मैं रॉ फील ही ले रहा हूँ, और अभी जो है शाम को हमें इसको वॉश भी करना है, तो वैसे ही बहुत गंदी हो चुकी है गाड़ी, लास्ट टाइम ऑफ रोड करने के बाद इसको जो है हाथ में ही नहीं लिया, चालू ही नहीं किया इसको, तो आज शाम को इसको धोएंगे, और नीले भाई भी आएंगे शाम को, गाड़ी का रॉयल एनफील्ड मेटियोर का रिव्यू भी करना है, तो गाड़ी को धो भी देंगे,
दिखाता हूँ मैं आपको शाम को क्या ही करता है इस पे। तो दोस्तों क्या करें यार, गाड़ी ने जो है दिक्कत देना शुरू कर दिया है, टायर डाल के है। और अभी ये देख लो यार, क्लच फिर से वो पुराने वाला प्रॉब्लम जो था वो अभी इसमें वापस आ गया है। जो क्लच है वो निकल नहीं रहा है फिर बाहर, क्लच में जो प्रेशर चला गया है। तो अभी क्या ही करेंगे, देखते क्या करते हैं इसका, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और फिर देखते इस क्लच का क्या करते हैं, क्लच को कैसे उठे। गाड़ी जो अभी यहाँ पर स्टक पड़ी हुई है, फंस गई है गाड़ी जगह पर, क्योंकि अपन जो है गियर नहीं लगा पा रहे इसका क्लच की वजह से, क्योंकि क्लच में पावर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है क्लच में, तो गियर कैसे डालेंगे। तो गाड़ी अभी यहाँ पे ही रुकी हुई है। इसको जो है टो करके मैं लाया, अभी मार्केट में था मैं, मार्केट से जो है मैं गाड़ी को अभी टो करके लाया हूँ। वह आप देख लो पूरा सीन ये पूरा ऊपर से टूट गया है और ये रस्सी यहाँ पर लटक रही है। तो भाई देखो अभी इसका क्या ही करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।